नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पाक ने भारतीय सैनिकों के साथ की घिनौनी हरकत, भारत ने दी चेतावनी। रियल एस्टेट कानून आज से लागू, मकान खरीदारों के लिए राहत। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर पर हमला, 4 गिरफ्तार। हाफिज सईद को और 90 दिन तक नजर बंद रखा जाएगा। आजम खान ने दी पीएम मोदी को धमकी, कहा परेशान किया तो यूएन जाएंगे। नक्सलियों के खिलाफ अब आर पार की जंग, डोभाल ने संभाली कमान। उत्तर कोरिया ने कभी भी परमाणु परीक्षण करने की दी चेतावनी। और मुंबई में ओला ड्राइवर ने महिला को कैब में बिठाकर की छेड़छाड़, हुआ गिरफ्तार।